देवयानी आओ ना, टेल यू समथिंग। लेकिन तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं बताओ। नहीं थोड़ा पर्सनल है, अगर तुम्हें बुरा लग गया तो। अरे नहीं लगेगा बुरा, बताओ ना। नहीं आओ, मैं सोच रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं, अब इतने टाइम में मैं कुछ ऐसा पूछूं थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। अच्छा तुम आप पूछो। अरे दिव्यानी अब देखो ना, हम दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरे को बीच में टपने की क्या जरूरत है ना? एंड तुम तो जानती हो कि थर्ड पर्सन हैज नो वैल्यू इन एयरफोर्स। मतलब मैं तुमको समझाता हूँ, जब हम उड़ान के लिए जाते हैं ना, तो या तो हम अकेले होते हैं या फिर हमारे साथ हमारा को पायलट होता है, इसका मतलब या तो हे या फिर तो। अब थर्ड पर्सन है नो वैल्यू, इसका मतलब है कि सेकंड पर्सन मैं, एंड आई फॉर द बिल। ओह यस ऑफ कोर्स, यू आर द परफेक्ट वन। इनफैक्ट आई वुड से यू आर द मोस्ट एलिजिबल, क्योंकि एयरफोर्स में ना एक डिटर्मिनेशन, करेज, एक एटीट्यूड की जरूरत होती है, जिद, घमंड, जो कि कुछ लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है ना? और एयरफोर्स के अंदर एरोगेंट लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट, एयरफोर्स को चाहिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे स्पोर्टिव, एक्टिव और बोल्ड। और तुमको एक बात बताऊं, यू आर द परफेक्ट चॉइस। हाँ, तो ठीक है राघव, लेकिन तुम मुझे कुछ और पूछने वाले थे, राइट? या हाँ, नहीं तो? हाँ, तुमने पूछने वाला था, कहा तो था कि कहीं मुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना। ओ या हाँ, क्या था? ओ हाँ, मैं काम करता हूँ, मैं ना थोड़ा बाहर जाकर ना थोड़ा सोच कर रहता हूँ, फिर मैं तुमको, टेक केयर।